प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में पशु रोग उन्मूलन कार्यक्रम लॉन्च करते समय कहा कि गाय का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया है, ऐसे लोगों ने ही देश को बर्बाद किया है। गाय का इलाज गौशाला में बांसुरी बजाने से हो रहा है और इसके अच्छे परिणाम यह निकले हैं कि बांसुरी थेरेपी से ही गायों का पूर्ण रूपेण इलाज हो रहा है। लगातार 12 घंटे बांसुरी सुनने से गाय पूरी तरह ठीक हो रही है, इसलिए गायों के इलाज के लिए बांसुरी थेरेपी ही आवश्यक है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि बांसुरी थेरेपी से ही पशुओं का इलाज हो सकता है, तो अस्पतालों के अंदर बांसुरी विशेषज्ञ ही रखने चाहिए। पशु चिकित्सक जिसकी 5 साल की डिग्री होती है उसको बांसुरी बजाने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिससे पशुओं का इलाज अच्छे यंत्र दवाई खरीदने की अपेक्षा कम खर्चे बांसुरी से ही इलाज हो जाए। कांग्रेस ने आर्थिक संकट को आगे रखते हुए कहा पीएम मोदी पर निशाना साधा है, पार्टी छोड़कर गाय की बात करते हैं लेकिन अर्थ जगत के गंभीर मुद्दों पर उनका ध्यान नहीं आता। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है उन्होंने वित्त मंत्री को इससे निपटने के लिए छोड़ दिया है। गाय के नाम पर इंसानों की हत्या पर बोले ओवैसी। AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम को जवाब देते हुए कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान तब खड़े हो जाने चाहिए जब गाय के नाम पर इंसानों को मारा जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ओवैसी ने कहा कि गाय हिंदू भाइयों के लिए पवित्र है लेकिन संविधान में जीवन और समानता का अधिकार इंसानों को दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद है कि पीएम मोदी इसे समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।